सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मानो या ना मानो को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का नाम अंग्रेज जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये हर साल 0.15 इंच बढ़ रही है। मानो या ना मानो, माउंट एवरेस्ट 6 करोड़ साल पुरानी है। एपा शर्पा और फुरपा ताशी ये दो इंसान माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा 21 बार चढ़े हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब तक माउंट एवरेस्ट पर लगभग 5,000 लोग चढ़ चुके हैं, पर इस पर चढ़ने की कोशिश में 250 लोग मारे भी जा चुके हैं। माउंट एवरेस्ट पर बढ़ती भीड़ के कारण इस पर बहुत ज्यादा कचरा फैलता जा रहा है, जो कि इसके लिए एक चिंता का विषय है। इसीलिए अब नेपाल सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि जो लोग एवरेस्ट पर अपना सामान छोड़कर आएंगे, उन्हें वो $4,000 वापस नहीं दिए जाएंगे जो उन्होंने चढ़ने से पहले नेपाल सरकार को जमा कराए थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खर्चा लगभग 22 लाख रुपए तक का आता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए जो पर्वतारोही मर गए हैं, उनकी डेड बॉडी अब वहाँ कंपास का काम करती है, क्योंकि अब उन्हीं डेड बॉडी के जरिए वहाँ पर रास्ते याद रखे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे वृद्ध इंसान ईशी रैम्पियूज है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, जिस डिग्री पर पानी उबलने लगता है, वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर माउंट एवरेस्ट के टॉप पर दबाव कम होने की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट 71 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। जो नेपाल में भूकंप आया था, उसकी वजह से माउंट एवरेस्ट 2.5 सेंटीमीटर सिकुड़ गई है। तेंजी नर्गे और एडमी हिलेरी दोनों दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सन 1953 में चढ़े थे। दुनिया की सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो है जुकुंग तेवई, जो कि जापान से हैं और वो 1975 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1974 के बाद केवल 2015 ही एक ऐसा साल था जिसमें कोई इंसान माउंट एवरेस्ट पर ना चढ़ा हो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और वापस आने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। माउंट एवरेस्ट के टॉप पर आप लगभग 3 गुना कम ऑक्सीजन ले पाते हैं। वहां पर एयर का प्रेशर कम होने की वजह से ऐसा होता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे लंबे समय तक रुके जाने का रिकॉर्ड 21 घंटे का है, जो कि 1999 में बाबूश्री शेरपा ने बनाया था। तो दोस्तों, ये है माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट हमें जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मान्यताओं और घटनाओं के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो। दोस्तों, अब आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और भी जल्दी हमारे ऐप को इंस्टॉल करके। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर जाके बस मानो या ना मानो हिंदी स्टोरी सर्च करें, जो है बिल्कुल फ्री, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।